Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Dua Siddiqui. Yes. Yes. And today I'm here with, I don't know, I mean, mujhse na wo proper wala intro nahi hota, like, jo ek bahut hi fancy sa YouTube intro video hota na, intro hota hai video mein, wo mujhse nahi hota, lekin khair koi baat nahi. कोई बात नहीं, यू गाइज नो हाउ आई एम, तो बस अभी गुजारा करें इसके साथ. खैर, सो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, यू गाइज हैव बीन लविंग द न्यू ट्राई आउट वाली वीडियोज, टेस्टिंग आउट न्यू मेकअप फ्रॉम द लोकल मार्केट. यू गाइज हैव बीन लविंग 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 दीज वीडियोज. तो मैंने सोचा कि मैं फिर से जो है वो एक वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें मैं यहाँ इशारा इसलिए करी क्योंकि यहाँ मेकअप रखा हुआ है, तो मुझे ट्राई आउट करना है वीडियो में. सो खैर, मैं इशारा नहीं करूँगी. सो गॉड हेल्प मी. तो सारा मेकअप जो है वो हम ट्राई आउट करेंगे आज, नया सारा लोकल ब्रांड है और सस्ता वाला मेकअप है और द थिंग्स दैट यू गाइज लव एंड आई लव टू. सो अफोर्डेबल है, अब देखते हैं अच्छा है या नहीं, सो अगर देखियो. खैर, जब मैं वीडियो बनाने के लिए, मतलब मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही होती है, जिस दिन मैं सोचू ना कल मैं वीडियो बनाऊंगी, उस दिन ये दिए देखें, चेक करें ज़रा आप लोग. तो मतलब इंसान क्या बोले. खैर, और उसी दिन जो है सारे स्कूल की वैंस गुजरनी होती हैं, सारे पाँ पाँ पैं पैं बज, मतलब देर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द वर्ल्ड. खैर, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे रखी हुई हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं आपको मिल सकती हैं पेज से ब्यूटजिला बाय सबीन. उन्होंने मुझे एक बहुत ह्यूज पीआर भेजा था, तो मैंने सोचा कि इनको ट्राई आउट करते हैं वीडियो में. नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, आई डिड नॉट गेट पेड फॉर इट. ऑनेस्ट 100% पीआर मिला था, लेकिन मतलब ये नहीं होता कि ऑनेस्ट नहीं होगा. एक एक चीज़ लगा के दिखाऊंगी, ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी और बस बहुत बातें हो गई. नाउ लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू द वीडियो. ये सारे प्रोडक्ट्स आप ब्यूटजिला बाय सबीन से खरीद सकते हैं. इट्स अ पेज ऑन इंस्टाग्राम विच डील्स इन ऑल द लोकल मेकअप आउट देयर. दे मेक इट ईजी एंड दे हैव वेरी गुड प्राइसेज, सो यू कैन गो एंड चेक देयर पेज आउट. दे हैव डील्स एंड यू नो वॉट नॉट एवरीथिंग. आई लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स का इंट्रो हो गया, तो बेहतर यह है कि इंसान काम पे लगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो अनप्रोफेशनल होने की इंतहा ये है कि इंट्रो में हूप्स नहीं पहने हुए थे, वीडियो में हूप्स पहने हुए क्योंकि मैं भूल गई थी पहनना, विच इज़ द बिगेस्ट बीमारी आई दैट इज़ मेरे अंदर मौजूद है, जो कि, और अब आप बोलेंगे इंग्लिश भी नहीं आती उसको, तो कोई बात नहीं यार, हम रॉ हैं, हम ऐसे ही, हम लोग नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही होता है, हर कोई ऐसा होता है. यूट्यूब चैनल का मतलब ये नहीं होता कि इंग्लिश भी अच्छी बोले इंसान, उर्दू भी अच्छी, हम, मैं ऐसी ही हूँ. Anyways, so first of all, I makeup से मैं start करती हूँ हमेशा, तो अभी भी मैं वही करूँगी. So they sent me this Maliao, I don't know how to pronounce that. This is their artist Moose eyeshadow palette. मैंने इसको बहुत swatch किया, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है, because I was testing out on my hand कि मैं क्या look create कर सकती हूँ इससे. ये मैं use कर चुकी हूँ already. Blue मैं करती रहती हूँ, पर्पल भी चलता रहता है, बाकी बड़े बेसिक से शेड है. मैं स्वॉच करके आपको पूरी पैलेट दिखा दूंगी, लेकिन हम आईज पे क्या करने वाले हैं ये अभी मैं ज़रा सोच रही हूँ. तो इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि पूरी वीडियो में सोचते हुए गुजार दे, लेकिन मैं आपको पहले इसके स्वॉचेस दिखाती हूँ, उसके बाद हम आई लुक क्रिएट करेंगे इससे. ओके, सो मैंने ऑफ कैमरा स्वॉचेस किए एंड दीज आर द स्वॉचेस. दीज द ग्रीन इज लाइक एवरीथिंग. द आई शेडोज आर सो 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 प्रिटी. ये पैलेट है, आप उनसे बाय कर सकते हैं ये पैलेट जाके. और अब आई लुक क्रिएट करने के लिए मैंने सोचा है कि कोई क्रीज शेडो नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, इसी से एक सिंपल सा आई लुक क्रिएट करेंगे. और ये जो लाइट ऑरेंज सा कलर है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पीचिश कलर, दिस इज़ वेरी प्रिटी बाय द वे, दिस इज़ अ पीचिश कलर. इसको मैं अपनी आंखों के ऊपर अप्लाई करूँगी डायरेक्टली. आई हैव नॉट प्राइम्ड माई आईलेट्स और इसको मैं डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट अ लिटल शीन ऑन माई आईलेट्स. क्योंकि एक और प्रोडक्ट है बहुत मज़े की जो कि मुझे यूज़ करनी है, उसको यूज़ करने के लिए हमें आई शेडो कोई डार्क कलर का नहीं लगाना है. सो आई एम जस्ट पैटिंग दिस ऑल ओवर माई आईलेट एंड आई कैन सी कि ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा है. इट्स गिविंग अ नाइस शीन टू द यू नो टू द आई. एंड इसको मैं बस प्रेस करी एंड व्हाट आई एम गोना डू इज
I'm just gonna take a clean brush and I'm just gonna buff out the edges really quickly. कोई शेड कोई आई शेडो नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एजेस को बफ आउट किया है. एंड दिस इज व्हाट द आई शेडो लुक्स लाइक. मुझे बस एक शाइन चाहिए था तो मैंने इसलिए पीच कलर यूज किया है अपनी आईज पे. एंड यू गाइज कैन सी हाउ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुली शाइनी दिस इज. एंड अब मैं यूज करूंगी बहुत मजे के, ये मेरे पास आई लाइनर्स हैं, ये भी मुझे उन्होंने भेजे थे एंड ये APK के हैं. और जो मुझे लाइनर यूज करना है वो मैंने निकाल के रखा था, मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं वो लेकर आती हूँ. ओके सो वी हैव दीज लाइनर्स बाय APK एंड इसमें चार लाइनर्स आते हैं, एक ग्रीन आता है, एक ब्राउन आता है, एक ब्लैक आता है और एक ब्लू आता है. ठीक है, अब ब्लू ब्लैक और जो आपका ये ब्राउन है, ये तो हम लोग मतलब मोस्टली यूज करते ही हैं इस तरह के कलर्स. तो इट्स बेटर कि हम आज थोड़ा सा ग्रीन के साथ वर्क करें. These are the swatches और मैं green वाला use करूंगी आज. I'm gonna try and create a wing and let's see if it works. This is the green one. Oops. खैर कोई बात नहीं. I want my eyeliner to be a little bold क्योंकि eyelashes लगती हैं तो liner छुप जाता है, लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि मेरा eyeliner काफ़ी bold हो ताकि eyelashes के बाद भी वो नज़र आए. Okay, that's a huge wing. Looks nice. This eyeliner is very easy to apply. सबसे अच्छी बात इसकी है because it's small and it has this hole to it, which makes it easier to use. And it's like इस मतलब ये इसमें जो है ना वो मतलब बहुत अच्छे से इसका इंक निकल रहा है, which is great. So I just put this eyeliner और मैं अब इस वाली आंख पे ऑफ कैमरा लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ हमें आगे क्या करना है. ओके गाइज, सो मुझे नहीं पता मेरा आई लाइनर इक्वल है या नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको, वैसे ये मैट आई लाइनर है लेकिन मैंने इसको शिमर के ऊपर लगाया इसलिए थोड़ा शिमरी मेटेलिक ग्रीन आई लाइनर लग रहा है, विच आई एम कम्प्लीटली ओके विथ बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग हाउ इट अप्लाइड. अच्छा, अब मैं क्या करूंगी इसके ग्रीन को थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए, what I'm gonna do is I'm just gonna be taking this green color जो कि इसमें है and I'm gonna top my eyeliner with this so that it looks more greenish. बहुत हल्के हल्के से मैं इसको top off करूँगी because I like it that way. लाइक कैन यू गाइस सी द डिफरेंस, इसमें काफ़ी ग्रीन मेटालिक लुक आ रहा है और ये थोड़ा सा डार्क की तरफ है. दिस आई लाइनर लुक्स सो प्रिटी यू गाइस. या सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, आई एम रियली रियली लाइकिंग इट. अब देखते हैं लोअर लैश लाइन पे क्या करना है, लेकिन उससे पहले हमें मूव करना होगा फेस प्रोडक्ट्स की तरफ. नहीं नहीं नहीं, उससे पहले हमें यूज करना होगा आई लैशेज. और आई लैशेज यूज करने के लिए उन्होंने मुझे भेजी थी ये वाली आई लैशेज जो कि काफ़ी लंबी सी हैं. सो इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसी लगती है. ओके सो द लैशेज लुक रियली नाइस, आई एम एक्चुअली रियली लाइकिंग द आई लुक. द शैम्पेन रोज गोल्ड क्या कलर बोलेंगे इसको, पीच आई शेडो ऑन द आईज एंड उसके ऊपर ये ग्रीन आई लाइनर. आई एम लविंग द लुक अभी तक. और अब जो है फेस के लिए उन्होंने मुझे भेजा था ये मिस रोज का प्राइमर जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका हशर. सो मैं यही वाला यूज़ करूँगी, आई विल कीप दिस वन फॉर अ गिव अवे. तो ये जो प्राइमर है इसकी अच्छी बात यह है कि ये प्राइमर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये प्राइमर जो है ये पोर्स को आपके फिल नहीं करता, लेकिन ये आपके फेस को मॉइस्चराइज कर देता है और एक जो है काफ़ी अच्छी कैनवस दे देता है टू वर्क ऑन. मतलब काफ़ी आपकी स्किन अगर आपकी ड्राई भी हो रही है तो वो काफ़ी स्मूथ कर देगा उसको. तो मैं इसको आंखों के नीचे भी अप्लाई करूंगी बिकॉज
ओके सो फॉर फाउंडेशन उन्होंने मुझे दो वो वाली फाउंडेशन भेजी जिसकी मुझे एक अरसे से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इसको रिव्यू करें एंड इट इज़ ग्लैमरस फेस की फाउंडेशन HD सिनेमा एंड TV वाटरप्रूफ फाउंडेशन. आई हैव सीन सो मैनी पीपल यूजिंग दिस एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट. तो एक शेड मेरे पास 07 है और एक 04 है. 04 लुक्स अ लिटल लाइट एंड 07 लुक्स अ लिटल डार्क. So I'm just gonna mix the two and I'm gonna blend it on to my face. Okay, so ये जो 07 है इसके मैं दो pumps लूँगी and 04 का मैं एक उसका भी मैं 1.5 pump लूँगी and then I'm just gonna mix both of these. Okay, इसकी consistency जो है foundation की वो काफ़ी thick है. सो आई एम सपोजिंग कि ये काफ़ी फुल कवरेज फाउंडेशन होगी. मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया. सो आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट इनटू माय स्किन. आधे फेस पे मैं इसको अप्लाई करूँगी एंड वी आर गोना सी कि ये कैसी लगती है अप्लाई होके. And I'm blending it out with my favorite Elism Beauty ka foundation brush. Okay, so it looks like my perfect match, which is great. तो ये दोनों मैंने mix की हैं तो मेरा perfect match बन गया, which is 07 and 04. And mirror में देखती हूँ. What do I have to say about this foundation? This is, yes, it is a full coverage foundation and हल्का सा glow ये face को दे रहा है but not too much. It's not a glowy foundation. It is a matte foundation. अभी तो थोड़ा गीला है, जब सूखेगा तो फिर देखते हैं कि ये कैसा होता है. अच्छा, brush से बहुत अच्छे से blend out हो गया. Beauty blender से मैंने blend out नहीं किया लेकिन brush से बहुत अच्छे से blend out हो गया. It almost looks like skin. You know, it's like my skin but better. इट लुक्स लाइक स्किन. बहुत केकी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट हो गया है. लुक्स वेरी फाइन. इट्स अ गुड फाउंडेशन. लुक्स लाइक अ गुड फाउंडेशन. यू कैन सी यहाँ पे फाउंडेशन है, यहाँ पे फाउंडेशन है एंड यू कैन सी द डिफरेंस के माई स्किन इज स्टिल पीकिंग थ्रू. तो इसका मतलब ये है कि आप इसको बिल्ड अप कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट गोना बिल्ड इट अप अ लिटिल बिट यहाँ पर. And this is what it looks like. मैंने इसको drag नहीं किया है, dab किया है, इसलिए मेरी foundation पे मुझे beauty blender की ज़रूरत नहीं है. And it has a very beautiful finish. You guys can see. I'll show you guys. करीब से भी. This is what my skin looks like. तो मैं यहाँ पर भी apply करती हूँ. और अब इसका real test ये होगा कि हम ये देखेंगे कि बाकी चीज़ें इसके ऊपर कैसी apply करती हैं. एक foundation, अच्छी foundation में ये भी चीज़ होनी चाहिए कि आप बाकी जो चीज़ें अप्लाई करें उसके ऊपर वो भी अच्छे से ही अप्लाई हों. सो या आई जस्ट पुट इट ऑल ओवर माई फेस एंड देन आई विल बी बैक. ओके सो आई हैव अप्लाइड द फाउंडेशन ऑल ओवर माई फेस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट लुक्स वेरी प्रिटी. आई एम लाइकिंग इट अ लॉट. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मिस्ट रोज का कंसीलर इन द शेड Beige 4 क्योंकि मेरे पास कोई कंसीलर नहीं था नया जो उन्होंने मुझे भेजा हो. बट ये भी इनके पेज पे अवेलेबल है सो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से. एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन सम एरियाज. और मैं रियल टेक्निक्स का जो है ब्लेंडर ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दिस आउट. दीज लोकल प्रोडक्ट्स आर रियली 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 वर्किंग आउट फॉर मी. लाइक I am actually very impressed. I mean, ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्कआउट नहीं करती लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स डू वर्क एंड आई जस्ट गेट वेरी वेरी एक्साइटेड जब चीज़ें वर्कआउट करती हैं. आई थिंक दिस शेड इज अ लिटिल टू लाइट फॉर मी बट इट्स ओके. वी आर गोना बैलेंस इट आउट विद कॉन्टोरिंग.
ये तो है ही मेरा फेवरेट कंसीलर. मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ. सो आई एम जस्ट गोना लेट इट सेटल लिटिल बिट. उसके बाद हम इसको बेक करेंगे और सेट करेंगे. गाइज आई एम एक्चुअली रियली रियली लाइकिंग हाउ द स्किन मेकअप इज लुकिंग. इट्स एक्चुअली रियली गुड. सो टू सेट माई फेस आई एम गोना बी यूजिंग दिस. ओके दिस इज ह्यूज. फिर मैं वही बात कहूँगी कि मिस रोज की बात ना हो अगर लोकल मेकअप की बात हो रही है तो फिर क्या मतलब है. मतलब फिर कैसे सीन कैसे चल सकता है. मतलब व्हाट्स द सीन. सो दे सेंट मी दिस ह्यूज मिस्टर रोज का पाउडर. एंड अब इसके सीन्स क्या हैं ये देख लें कि इसमें आता है एक कॉम्पैक्ट पाउडर, फिर इसमें आता है एक और कॉम्पैक्ट पाउडर, फिर सबसे नीचे आता है लूज पाउडर. लाइक दिस इज 3 in 1. और आपको हमेशा पता है ये बात कि मैं जब भी अपना फेस लूज पाउडर से सेट करती हूँ तो मैं हमेशा लाजमी है कि मैं उसके ऊपर से कॉम्पैक्ट पाउडर से भी सेट करती हूँ. और इसमें सब चीजें एक साथ हैं विच इज एक्चुअली ग्रेट. सो या तो हम इसको खोलेंगे और हम इससे अपना मुंह सेट करेंगे. इसके ऊपर जो है नंबर मैंशन नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं उनसे पता करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर. ओके अच्छा अब पता नहीं आपको नज़र तो नहीं आएगा लेकिन इस पाउडर के अंदर जो है ना थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस कि ये कैसा लगेगा, लेकिन इट इज़ मेंट टू गिव यू अ ड्यूई लुक. मतलब कि जब किसी भी लूज पाउडर में हल्का सा शिमर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी स्किन को एकदम से एक ड्राई लुक नहीं देगा. So let's see if this powder works out or not. So I'm just gonna be setting my face with this loose powder. और ये puff बहुत अच्छा है by the way. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी powder के साथ puff आता है और वो बहुत अच्छा होता है. I mean जितने high end powders हैं, जितने भी Huda Beauty और Fenty Beauty के powders हैं, the powders are great. They are very expensive. लेकिन उसके अंदर puff नहीं आता. मतलब आई थिंक अगर 6000 रुपए का एक पाउडर है तो उसके साथ उनको एक पफ देना चाहिए, बट वो नहीं देते. कहते हैं आप सेपरेटली खरीदें. सेपरेटली क्यों खरीदें, जब 6000 रुपए का पाउडर खरीद रहे हैं तो आप पफ क्यों नहीं दे सकते. जब लोकल ब्रांड्स दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते. लाइक ये क्या बहानेबाजी है. तो मैं इसको फौरन वाइप ऑफ कर दूंगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ ऐसे ही. एंड अच्छे से वाइप ऑफ करने के बाद इसी के अंदर जो फिर कॉम्पैक्ट पाउडर है उससे मैं इसको सेट करूंगी अपने फेस को. दो इट इज़ वेरी लाइट फॉर मी बट इट्स ओके. जस्ट गोना लाइटली डस्ट इट ऑल ओवर माई फेस. ओके गाइस आई सेट माई फेस एंड द फेस लुक्स नाइस. और अभी भी हल्का सा ग्लो मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हैवीली सेट नहीं किया अपना फेस. बट नाउ आई एम गोना बी कॉन्टोरिंग. और कॉन्टोर के लिए उन्होंने मुझे सेंड किया ये एक्वा जर्मनी का 4 ग्लोरियस फेस कॉन्टोरिंग पैलेट विच लुक्स समथिंग लाइक दिस. और यहाँ पे मुझे एक ब्रॉन्जर शेड भी नज़र आ रहा है और एक कॉन्टोरिंग शेड भी नज़र आ रहा है विच आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि मैं हमेशा फेस को पहले ब्रॉन्ज करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने फेस को कॉन्टोर करना चाहती हूँ. तो ये ब्रॉन्जर और इसको मैं एज अ कॉन्टोर यूज करूंगी. सो आई एम जस्ट गोना बी टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्रॉन्जर ऑन दिस राउंड ब्रश एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट इनटू माय स्किन इन सर्कुलर मोशंस. और फोरहेड पे भी बिकॉज आई वांट दैट ब्रॉन्ज लुक as usual. और चिन पे भी. ओके दिस लुक्स लाइक अ वेरी नाइस ब्रॉन्जर का शेड फॉर मी एंड जस्ट ऑन द साइड्स ऑफ माई नोज एज वेल. अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज कर लिया, यहाँ पे ब्रॉन्ज नहीं है. यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. और अब मैं कॉन्टोर करूंगी. कॉन्टोर के लिए मैं यूज करूंगी ये वाला शेड which is more on the grey side. And contour हमेशा straight motions में करते हैं तो मैं straight motions में contour करूँगी.
मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मैं जिस तरह से खा रही हूँ वही सही तरीका है. सबका मेकअप करने का अपना अपना तरीका होता है, बट आई लाइक डूइंग मेकअप इस तरीके से. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर मी एंड यू गाइज कैन क्लियरली सी हाउ ब्यूटिफुली द कॉन्टोर हैज सेटअप. और ब्रॉन्जर हमेशा राउंड ब्रश से यूज लगाती हूँ और कॉन्टोर हमेशा पतले ब्रश से लगाती हूँ. सो आई जस्ट कम्प्लीट दिस साइड ऑफ माई फेस एंड देन आई विल बी बैक. ओके, तो फेस अच्छे से कॉन्टोर हो गया है. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश. और ब्लश के लिए मैं ये वाला मिस रोज़ का पैलेट यूज़ करूंगी. दिस इज़ द वन दे हैव सेंट मी एंड आई एम जस्ट गोना बी मिक्सिंग. ओके, अच्छा ये बहुत ज़्यादा पाउडरी है, सो यू जस्ट नीड अ टीनी टाइनी बिट ऑफ इट एंड यू आर गोना बी फाइन विद इट. बहुत ज़्यादा ब्लश अगर आप ले लेंगे एकदम से तो वो आपका ख़राब भी कर सकता है आपके मेकअप को. तो हल्का, ओ दिस इज़ सच अ प्रिटी ब्लश. जिन लोगों को थोड़े से ब्रॉन्जी, थोड़े से अच्छे से ब्लशेस पसंद होते हैं ना, थोड़े से डस्टी रोज टाइप के, उनके लिए पैलेट बहुत ही आइडियल है. मुझे हर तरह का ब्लश पसंद है, नो मैटर इफ इट्स ब्रॉन्जी, नो मैटर इफ इट्स डस्टी रोज टाइप का. आई जस्ट लव ऑल काइंड ऑफ ब्लशेस. एंड दिस इज लुकिंग सो प्रिटी. आई लव ऑल दीज शेड्स यू गाइज. आई मीन all of these shades are so pretty. I mean this one and this one, I just want to apply some more. Okay, ab main apni lower lash line pe kaam karungi kyunki wahan pe humne abhi tak kuch nahi lagaya. Main miss rose ka ye wala kajal use karungi. Ye inhone mujhe bheja tha, ye main pehle bhi use kar chuki hu. So this is like very pigmented. मैं इसको थोड़ा सा नीचे आ गया, बट दैट्स ओके, वी कैन मैनेज. उसके बाद मैं ये वाली पैलेट लूंगी दोबारा से एंड दिस शेड इज कॉलिंग आउट माय नेम. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना बी टेकिंग अ स्मॉल ब्रश एंड ये वाला शेड मैं लूंगी इससे, इसमें से, एंड आई एम गोना पुट इट राइट अंडरनीथ माय आई. इस तरीके से, सो दैट, क्योंकि मुझे ये वाला कलर अपने लुक में कहीं ना कहीं ऐड ज़रूर करना था, सो आई थॉट आईड ऐड इट इन द लोअर लैश लाइन. सो या, सो इस तरह से मैंने इसको ऐड कर लिया. यहाँ पे मेरा लाइनर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बट मैं उसको फिक्स कर लूँगी. सॉरी, मेरा काजल. एंड यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा नीचे, आई जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट so that it balances. And for the inner corner, I don't know if this would look good or not, but I just want to go in with this pink shade on the inner corner. I don't know. आई डोंट थिंक सो. मैं ये सिल्वर वाला शेड लूंगी. आई एम जस्ट गोना पुट दिस राइट हियर. ताकि मेरी आंखें थोड़ी खुली खुली लगें. ओके, सो आई एडेड अ लिटिल बिट मोर टू द लोअर लैश एंड यहाँ पे पिंक और सिल्वर मिला के एक सिल्वरिश पिंकिश कलर बन गया है, विच इज़ ऑल्सो रियली रियली नाइस. आई डोंट माइंड इट एट ऑल. ओके, सो नाउ फॉर माई हाईलाइटर. इन्होंने मुझे भेजा था ये मिस रोज़ का डुओ जो मैंने स्वॉच किया था, एंड द हाईलाइटर लुक्ड वेरी प्रिटी. और इसमें कॉन्टोर आता है और हाईलाइटर आता है, सो आई एम जस्ट गोना बी पुटिंग दिस हाईलाइटर ऑन माई फेस एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स. दिस इज इन द शेड 02. ओ वाओ, this is actually very very pretty. I'm just gonna put it right over here a little bit taki thoda sa glow nazar aaye, and a little bit right here taki jab bhi aap move kare to fir aapka glow nazar aaye.
दिस इज लाइक अ गोल्डन हाईलाइट एंड इसमें और भी शेड्स हैं, उनके पेज पे आप जाके चेक कर सकते हैं. एंड दिस इज इट फॉर द फेस मेकअप नाउ. ओके सो फॉर माई लिप्स उन्होंने मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे शेड्स भेजे थे, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस वन. दिस इज 07 और मैं जो है इसको अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे. ओके गाइज सो दिस इज वॉट द कम्प्लीटेड लुक लुक्स लाइक. और मैंने ये वाला लिप कलर लगाया. आई विल मैंशन एवरी थिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. दिस इज वॉट माई स्किन लुक्स लाइक, दिस इज वॉट माई मेकअप लुक्स लाइक एंड आई एम एब्सोल्यूटली लविंग ईच एंड एवरी थिंग. और लिपस्टिक जो है वो बहुत हैवी नहीं है, बहुत ड्राइंग नहीं है, विच इज ग्रेट. आई मीन इट्स सुपर कम्फर्टेबल ऑन द लिप्स विच इज ग्रेट. And this is what my makeup looks like. मैं आपको sunlight में भी अपना makeup दिखा देती हूँ so that you guys can see what it looks like in the sunlight as well. Okay guys, so this is what my makeup looks like in the sunlight as well. And yeah, this is without sunlight and this is with sunlight. So I absolutely loved each and every product. Amazing है. Link मैं सारे mention कर दूंगी description box में जहाँ से आप ये सब चीज़ें buy कर सकते हैं. I hope you guys enjoyed it. If you did, give it a thumbs up. Subscribe to my channel before you leave. Take care of yourself, you guys. Bye.